पाकिस्तानी ड्रामों की कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जो आपको ड्रामास के अंदर तो बहुत ही शरीफ पारसा दिखेंगी, बट रियल लाइफ में देखकर कुछ ऐसे जज्बात निकलते हैं। और कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जो कि ओवर द टाइम बहुत ज्यादा फेमस हुई अपनी डिसेंट ड्रेसिंग की वजह से, बट फिर उन लोगों ने सोचा कि मैं और शरीफ ना भैया ना। शराफत के साथ तो हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो आज हम उन एक्ट्रेस को डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपनी डिसेंसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, अभी से नहीं हमेशा से, जब से वो पाकिस्तानी ड्रामास में काम कर रही है। ना सिर्फ ड्रामास के अंदर अच्छे रोल कर रही है बल्कि रियल लाइफ में भी, अगर आप इनका इंस्टा चेक करें तो आप लोग डेफिनेटली इनसे इंप्रेस होने वाले हो। तो ये कौन सी 5 एक्ट्रेसेस हैं जिनको बहुत ही ड्रेसिंग की तमीज है, आज वन बाय वन करके इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो आपको बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको वो तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो आपने इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर देखी होंगी, वो भी बहुत हाई प्राइसेस में। तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। पीके लग्जरीज, वी डोंट सेल क्रैप। सो स्टार्टिंग विद नंबर 5, यहां पर जाएंगे फर्स्ट की तरफ। जैसे जैसे फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतनी डिसेंट एक्ट्रेसेस हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और जो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूं बेस्ड ऑन देयर ड्रेसिंग। सो भैया 5वें नंबर पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, इनका नाम है किंजा हाशमी। किंजा हाशमी का वैसे भी मुझे जर्नी बहुत अच्छा लगता है, मतलब साइड रोल करने वाली वो एक्ट्रेस जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके अपने आप को लीडिंग रोल पे मनवाया, और हमेशा से साइड रोल से लेकर अब तक लीडिंग में भी अगर आप इनको देखो तो आपको इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगेगी। कुछ इनकी पर्सनालिटी काफ़ी डिसेंट है। अगर आप इनका ये ड्रामा देखो खुशबू में बसे खत, तो यहाँ पर भी बहुत स्टनिंग लग रही हैं। मेरे से अगर आप पूछो कि भैया जहाँ पर ये बेस्ट लुक दे रही थी तो वो ड्रामा तो नहीं है टेलीफिल्म, बट बहुत मजे की थी रूपोश उस टेलीफिल्म का नाम, जहां पर हारून कादवानी साथ में देखने को मिलते हैं, और बड़ी कमाल की मूवी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, वहां पर भी आपको किंजा हाशमी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। तो भैया ये है नंबर 5 पे। आप लोगों के अकॉर्डिंग 5th नंबर पे कौन हो सकता था, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो नंबर 4 पे मैंने एक ऐसी एक्ट्रेस को रखा है जो मेरी उस लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है, जहां पर मैंने मोस्ट गॉर्जियस लड़कियों को डिस्कस किया था। लड़कियां नहीं, एक्ट्रेसेस, लड़कियां तो बहुत है दुनिया में खूबसूरत। सो सिद्रा नियाजी है इनका नाम, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बट साथ में अगर आप इनकी ड्रेसिंग को भी देखें तो आप अच्छा खासा हैरान होंगे कि भैया बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखती है। इनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि इनकी हाइट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और खास तौर पे अगर आप इनके बेस्ट ड्रामा को डिस्कस करें जहां पर बहुत ही अच्छे से डिसेंसी को मेंटेन रखा, दैट वाज समझौता ड्रामा। एक ऐसा ड्रामा जहां पर आई वाज लिटरली शॉक्ड टू सी द वे शी वाज मेंटेनिंग हरसेल्फ। बहुत सारे ड्रामास के अंदर जब इन्होंने साइड रोल किया तो वहां पर आई पर्सनली वॉन्ट के भैया यहां पर तो शायद इनको लीडिंग रोल करना चाहिए था, बट ज्यादा टाइम नहीं लगा इनको भी ऊपर आने में। और जैसे कि मैंने किसी टाइम पे बताया था लीजा के बारे में कि भैया ये लड़की कुछ करेगी, किया उसने बहुत कुछ है लेकिन कुछ ज्यादा ही कर दिया कि बेचारी फिर से नीचे आ गई। खैर टॉपिक की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, अगर मैं डिस्कस करूं इनका ड्रामा जहां पर ये अगेन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, ऑल्दो लीडिंग रोल नहीं था इनका, वो ड्रामा था झूम, वहां पर इनको एक एंटरप्रेन्योर दिखाया गया और जिस तरह से कंपनी को रन कर रही हैं, और ओवरऑल जो इनकी वहां पर पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। अच्छा अब एक चीज को जहन में रखें, ये जितनी भी मैं एक्ट्रेसेस को डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, मतलब दे आर वेयरिंग जीन्स एंड टॉप एज वेल। जिन लोगों को लगता है कि शायद मैं सिर्फ शलवार कमीज लड़कियों को प्रमोट करता हूं, ऐसा नहीं है भैया। मेरी एक ही थ्योरी रही है हमेशा से कि आप भले जीन्स पहनो टॉप पहनो, बट वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट हो रहे हो या फिर आपकी बॉडी जो है वो एक्सपोज बहुत ज़्यादा होने लग रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सूट नहीं करती। वो लोग भी पहने लेकिन थोड़ा सा साइज़ को देख लें कि यार हम अगर स्मॉल पहन रहे हैं तो शायद हमें मीडियम पहन लेना चाहिए, उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बात तो सही है। नंबर 3 पे हमारे पास एक ऐसी एक्ट्रेस आती हैं जो डिसेंसी की एक बेहतरीन एग्जांपल हैं, जिन्होंने शायद अपनी पर्सनालिटी और अपने लुक्स के बिना पर बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। इनका नाम है सहर खान, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग रही थी। हमारा जो ड्रामा गुजरा है फेरी टेल,
हर बंदे ने इनको अप्रिशिएट किया। ड्रामा भी बहुत खूबसूरत था, लग भी बहुत अच्छी रही थी, और ख़ास तौर पे चूंकि ये उस तरह के रोल करती हैं जिसमें ये बड़ी डिसेंट सी चुलबुली सी लड़की होती है, तो वो और ज़्यादा इनके ऊपर सूट करता है। तहर खान आजकल जफा ड्रामे के अंदर भी अच्छी लग रही हैं, और मैंने शायद इनके जितने भी ड्रामे देखे हैं मुझे कहीं पर भी ये ओवर नहीं लगी, और यही मेरे ख्याल से किसी भी एक्ट्रेस की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को हमेशा अच्छे लेवल के ऊपर रखे। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मतलब मैं क्यों इतना डिसेंसी को प्रमोट करूं, क्योंकि ना यार पाकिस्तान बाय कल्चर और बाय नेचर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ लोगों को जो लोग अपने आप को एक अच्छे लेवल पे रखते हैं। जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर हो जाते हैं वो फिर डेफिनेटली हर जगह पर ही मार खाते। पाकिस्तानी आवाम बिल्कुल भी नहीं बख्शती उन लोगों को जो लोग भले जितना मर्जी फेमस हो जाएं लेकिन बाद में फिर अपनी वर्थ खो दें कुछ भी स्टूपिड करके। पाकिस्तानी आवाम कभी भी उन लोगों को दोबारा चांस भी नहीं देती। आई डोंट नो कि पूरी दुनिया में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भैया ऐसा ही हो। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बुर्ज देखे हैं जिनको लगता था कि शायद बस अब वो बहुत हवाओं में है, बट फिर ऐसा नीचे गिराया आवाम ने कि फिर वो कभी नजर ही नहीं आए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा मेरा किन लोगों की तरफ इशारा है। खैर, डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन आता है। जरा गेस करने की कोशिश करें कौन होंगी वो एक्ट्रेस जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, इतना लाइक के रख दिया है सेकंड नंबर पे। यहाँ पर जब आप लोग खासतौर पे नाम सुनोगे ना तो शॉक्ड हो जाओगे कि क्या मैंने इसको सेकंड नंबर पे रख दिया, क्योंकि आप लोगों की मिसकंसेप्शन है यहाँ पर यमुना ज़ैदी को लेकर के। भाई शायद मैं यमुना के खिलाफ हूँ, भाई मैं उसके रोल्स के खिलाफ हूँ। यमुना की ड्रेसिंग हमेशा से बेस्ट रही है, इवन कि आप इसी वीडियो का पिछला वर्जन भी देखोगे तो वहां पर भी शायद फर्स्ट या सेकंड पे यही थी। सो यमुना की ड्रेसिंग नो डाउट हमेशा से बहुत ही ज्यादा डिसेंट रही है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना आता है खुद को, वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग चूज करती है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, शी इज वेरी स्वीट इन जनरल। मैंने उसके जो इंटरव्यूज भी देखे हैं वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं है उसको, बट आई डोंट नो कि उसको इतने ज्यादा ब्रूटल रोल्स क्यों पसंद आने लग रहे हैं। आई थिंक के यमुना का मैं सबसे बड़ा प्रमोटर था इसका जो ड्रामा गुजरा था पुकार, उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा इस औरत को प्रमोट किया। सॉरी औरत नहीं कहना भैया, औरतों को सॉरी लड़कियों को बुरा लग जाता है। मैंने बहुत ज्यादा यमुना को प्रमोट किया, बट उसके बाद फिर आप इसके रोल्स चेक करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई शी इज दी एक्ट्रेस, शी इज डूइंग हर बेस्ट, जो उसको रोल मिलेगा वही करेगी। नहीं भाई नहीं, अगर शाहरुख खान, सलमान खान या फिर कोई भी बड़ा एक्टर या एक्ट्रेसेस हमेशा से स्टूपिड रोल पकड़ेगा तो वो इवेंचुअली अपनी वर्थ खो देगा। दैट्स द रीजन कि यहाँ पर जो लोग नेगेटिव स्टार्ट से करते हैं वो फिर नेगेटिव ही काम उनको मिलता है, हमेशा उनको यही रोल कहा जाता है कि भैया तुम ये करो, क्योंकि अवाम के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ जाती है, अवाम बेसिकली एक इमेज बना लेती है आपका कि अच्छा यार व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्रेसेस एंड एक्टर ही इज। सो उसी की बेस पे आपकी जजमेंट हो रही होती है, तो आई थिंक कि आपको अच्छे रोल ही पकड़ने चाहिए थे, इस तरह के स्टूपिड नहीं जो आपने तेरे बिन में पकड़ा, या फिर जेंटलमैन में भी मुझे इसका बड़ा ही रूट सा बड़ा स्टूपिड सा रोल लग रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कोई बहुत ज़्यादा फेमस इस वजह से भी शायद ना हो रहा हो क्योंकि लोगों को इसकी ये वाली फजूल हरकतें नहीं पसंद। अच्छा भाई, तूने उसको सेकंड नंबर पर रखा है, इससे ज़्यादा उसकी बुराइयाँ होगी। खैर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस है इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग। आप इसका कोई भी शूट उठा के देख लो, कोई भी आप इसको कहीं पर भी देखोगे तो आपको 99% सही ही लगेगा। देखो 99% मैंने इसलिए कहा, 1% फिर भी कभी ना कहीं कुछ एक्ट्रेसेस ऐसा वैसा कर जाती हैं, वो तो कोई बिल्कुल ही आपको उस तरह से तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की बेस पे कि किन की ड्रेसिंग ज़्यादातर अच्छी होती है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता होगा कि फर्स्ट नंबर पे वो कौन सी एक्ट्रेस आती हैं, और जो हमेशा से मतलब जो आइकन है इस हवाले से कि यहाँ पर उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी रही है। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा जीन्स टॉप भी वेयर करती हैं, वो बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस भी वेयर करती हैं जो कोई दूसरी लड़की पहने तो बहुत ही भिड़ंगी लगे, या फिर ऐसे में वो अपने आप को बोल्ड प्रेजेंट करे, बट इसको नहीं लगता। इसकी पर्सनालिटी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, अगर आप इसके व्लॉग्स देखें। अच्छा यार नाम तो बताओ, नाम है इसका सारा खान। सारा खान के आप व्लॉग्स देख लो, सारा खान के आप ड्रामे देख लो, सारा खान के आप रियल लाइफ देख लो, आपको हर जगह पर सिमिलैरिटी नजर आएगी। इट्स लाइक के जो करेक्टर ड्रामों के अंदर है वही रियल लाइफ के अंदर। तो रियल लाइफ में भी ना बेसिकली आपका एक करेक्टर होता है जो आप प्ले कर रहे होते हो। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आप अपने माँ बाप के सामने एक करेक्टर प्ले करते हो, अपने बहन भाइयों के सामने अलग करेक्टर होता है, फिर आपके दोस्तों के सामने एक अलग करेक्टर होता है, आपके ऑफिस में आपका कोई और ही करेक्टर होता है। लेकिन वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं जो अपने करेक्टर को ऑलमोस्ट मेंटेन रखते हैं हर जगह पर। आप और करना, जो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं रखते ना उनको लोग हमेशा लाइक करते हैं, क्योंकि वो हर जगह पर
एक जैसे ही दिखते हैं। सो ये मेरा मानना है। सारा खान की जो बेस्ट ड्रेसिंग जो आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देगी, वो इसका ड्रामा गुजरा था सबात। 2-3 साल हो गए इस बात को, बट हमेशा डिस्कस होता है वो ड्रामा। इतनी कमाल की ड्रेसिंग थी वहां पर। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर इसका जो हाल ही में ड्रामा गुजरा नमक हराम, वहां पर भी शी वॉज लुकिंग स्टनिंग और बहुत ही अच्छे से खुद को मेंटेन किया था। रक्से बिस्मिल में बहुत अच्छी लग रही थी, हत्ता के वहां पर हर कैलिबर का ड्रेस वेयर किया, बट हर ड्रेस में ही अच्छी लग रही थी। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दीज 5 एक्ट्रेसेस जो बहुत ही अच्छे से खुद को मेंटेन रखती हैं, नॉट ओनली ऑन ड्रामास बट रियल लाइफ एज वेल। आप लोग कितना इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस लिस्ट के अंदर कौन सी वो एक्ट्रेस हैं जिनको होना चाहिए था, शायद मैंने मिस करा दी, और किसकी जगह होना चाहिए था, ये भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।